आज मैं बनाऊंगी सागुदाना लस्सी, और इसको बनाने में जितना आसान है उतना ही स्वादिष्ट लगता है इसे पीने में गर्मियों में। नमस्कार, भूमिज किचन एंड लाइफस्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, लाइक शेयर ज़रूर करें। यहाँ पर मैंने सागुदाना लिया है 100 ग्राम, लगभग एक कप जितना हो जाएगा। तो इसको मैंने अच्छे से धो के 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। उसके बाद धोने के बाद इसका पानी जो है इसको ड्रेन कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर दही लेंगे हम 1 कप। यहाँ पे मैंने लिया है पका हुआ केला 3, इसका छिलका निकाल दिया है, और यहाँ पे चेरी, थोड़ा सा काजू और बादाम कटी हुई। यहाँ पे जो है नारियल लिया है कद्दूकस किया हुआ 1/2 कप। एक ग्राइंडर जार लेंगे और इसमें हम हमारा भिगोया हुआ जो सागुदाना था इसको डाल देंगे। इसके अंदर दही डालेंगे, इसके बाद इसको केले को जो है छोटे छोटे बारीक पीसेस में काट लेना है या फिर टुकड़ों में तोड़ लेना है। इसके बाद इसमें डालेंगे आइस क्यूब 10 से 12। अभी इसमें डालेंगे पानी 1 कप। जिस बाउल में आप दही लिया है उसी बाउल में आप 1 कप पानी लेना है आपको। मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ 2 ग्लास। इसके बाद इसको ढक्कन लगा के ग्राइंड कर लेंगे। अभी हम इसमें 2 टेबलस्पून चीनी डालेंगे, क्योंकि मैंने बिना चीनी वाला वही निकालना था इसलिए मैंने 2 बार ग्राइंड कर रही हूँ। फिर हम इसको ग्राइंड कर देंगे। अगर आप सभी जो है चीनी वाला ही बनाना चाहते हैं तो एक ही बार में ग्राइंड कर सकते हैं। अभी इसको एकदम ठंडे ठंडे चीनी जो है सर्व करें, एक बार ज़रूर बना के पिए। ये बहुत अच्छा टेस्टी रहता है और गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है और एकदम आसान तरीका है बनाना। इसके बाद हम नारियल कद्दूकस किया हुआ जो नारियल था और काजू, किशमिश और चेरी जो था इससे हम इसको डेकोरेट कर लेंगे। काजू वगैरह को मैं बहुत ज़्यादा मैंने पीसेस नहीं किया है, आप चाहे तो इसको बारीक पीसेस में करके डाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।